हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स के बारे में। बेसिक हम यूनिट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लेंथ की यूनिट, एसआई यूनिट अगर हम देखें तो दैट इज़ मीटर, एंड मास की इट्स किलोग्राम, टाइम इट्स सेकेंड, इलेक्ट्रिक करेंट इज़ एम्पियर, टेम्परेचर इज़ के फॉर केल्विन, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम देखते हैं तो मोल की मोल इज़ द एसआई यूनिट। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है दैट इज़ टाइम, एंड एसआई यूनिट इज़ न्यूटन। वर्क का सीजीएस यूनिट इज़ ईआरजी, एंड द एसआई यूनिट इज़ जूल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्विपमेंट यूज फॉर द टू ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी के बारे में बात की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए इस लेक्चर से कम 2 नंबर आपके फिक्स हैं। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। कैंडल क्या करती है, केमिकल एनर्जी टू लाइट एंड हीट एनर्जी में चेंज करती है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। हम लोग जब माइक में बोलते हैं तो क्या होता है, दैट इज़ अ साउंड एनर्जी जो चेंज हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो स्पीकर से निकलती है। देन लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी माइक्रोफोन से गई है वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर लाउड स्पीकर क्या करेगा, उसको वापस साउंड एनर्जी में एम्पलीफाइड वे में निकालेगा। सोलर सेल क्या होते हैं, जो सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सैटेलाइट कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, तो दे यूज़ सोलर सेल, क्योंकि जब वो सैटेलाइट स्पेस में होते हैं तो वहाँ पे वो सोलर एनर्जी लेते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ट्यूबलाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आप ट्यूबलाइट छुएंगे तो वो कभी भी गर्म नहीं मिलेगी। देन इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पुराने टाइम में होते थे जो येलो रोशनी देते थे, वो क्या होते थे, गर्म भी होते थे प्लस लाइट भी देते थे। बैटरी की अगर हम बात करें तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है, केमिकल एनर्जी आयनाइजेशन होता है उसमें, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सितार हमारा कैसा है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, साउंड एनर्जी में। फोटो सेल्स की अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज करता है। एक हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के पास में अगर है तो उसकी स्पीड है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो फॉर अर्थ एंड फॉर मून, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप फेंकते हैं तो वो स्पेस में चली जाएगी, वो एस्केप वेलोसिटी है। एंड फॉर मून, अगर हम मून से फेंकेंगे तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ की कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट इज आर सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इनके डिस्कवरर। तो गामा रे को डिस्कवर किया था हेनरी बैकवेरल ने, एक्सरे को किया था डब्ल्यू रॉन्गटन ने, अल्ट्रावायलेट रेज रिटर, विजिबल रेडिएशन न्यूटन, इंफ्रारेड रेज हर्शल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ओके, देन शॉर्ट रेडियो वेव्स दैट इज हेनरिच हर्ट्ज, एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स दैट इज मैक्रोनी। ओके, दिस इज ऑल फॉर फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।